दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक नेता जो कि जनता उसे जो है सत्ता पर लेके आती है, उन्हें जो है वोट देती है बहुत ही उम्मीद से कि वह जब अगर नेता बन जाएगा, वह अगर चुनाव में जीत जाएगा तो उनकी भलाई के लिए कुछ काम करेगा, उनके लिए कुछ काम करेगा। और यहाँ पर जो है आज हमारे हम देश की अगर बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद जो है अपना शकल तक नहीं दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं वह जो है सिर्फ चुनाव जीतने के बाद जो है सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों के साथ गलत करते हैं। और यहाँ पर हमारे देश में अगर बात करें तो बहुत ही कम ऐसे नेता हैं जो अच्छे होते हैं, जो जनता की भलाई के लिए सोचते हैं, जनता की भलाई के लिए कुछ काम करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि महिंदा राजपक्षे जो है श्रीलंका के एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो कल जो है चौथी बार जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। अब सोचिए कि वहाँ के लोग उन्हें जो है चौथा बार जो है यानी चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया है अपने देश का, तो आखिर उस नेता के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है जो वहाँ के लोग ने जो है उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चौथा बार जो है उसको अपने देश का प्रधानमंत्री बनाया है। और कहीं ना कहीं मैंने जब उस नेता यानी महिंदा राजपक्षे के बारे में रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली जो मैं कभी भी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। अब यह जानकारी कैसी है कि देखिए, महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के एक ऐसा नेता है जो अपनी जनता की भलाई के लिए जो है वह बहुत कुछ किया है, वहाँ के लोगों के लिए वह बहुत कुछ किया है, और ऐसे नेता की हमारी देश को ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे हजारों नेता हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे देश के जो नेता होते हैं ना वह बेईमान होते हैं। क्योंकि आज हम जिस इलाके में रहते हैं और आप भी जिस इलाके में रहते होंगे वहाँ की हालत आपको अच्छी तरीके से पता हुआ होगा, आप वहाँ की हालत समझते होंगे कि वहाँ की हालत क्या है, और वहाँ की नेता चुनाव जीतने के बाद जो है वहाँ पर आते नहीं है, वहाँ पर जो है आपकी हाल समाचार पूछने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो कि चौथा बार यानी कल रविवार था और चौथा बार वह जो है अपने लाइफ में श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। अब सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि चार बार, और सबसे बड़ा पद है श्रीलंका का प्रधानमंत्री का पद, और इतना बड़ा पद का वह चौथा बार वहाँ पर शपथ लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वह सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसकी जो पार्टी है बल्कि दो तिहाई बहुमत से पूरे देश में जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं ऐसा जीत जो अगर कोई भी नेता हासिल करता है, किसी भी पार्टी अगर हासिल करती है, तो वह जो है संविधान के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से हमारे देश के लीडर्स की कंपेयर करें तो मुझे जो है महिंदा राजपक्षे बहुत ही अच्छा और बहुत ही आगे और नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में जो है ऐसे बहुत ही कम नेता है जो है अपने लाइफ में जनता की भलाई के बारे में सोचा हो। नहीं, कोई भी नेता हमारे जो देश के हैं ना, सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं, सिर्फ लोगों के साथ बेईमानी करते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन जो है महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के चौथा बार प्रधानमंत्री बने हैं कल, और कहीं ना कहीं वैसे नेताओं की हमारे देश को ज़रूरत है। क्योंकि अगर वैसा नेता हमारे देश में मौजूद होगा तो हमारा देश का हालत, हमारे देश की जो आज स्थिति है, 100% सुधर सकती है। मैं यहाँ पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे देश के नेताओं की जो स्थिति है, हमारे देश की जो लीडर्स की स्थिति है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। नेता जो अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरीके से भूल चुकी है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नेताओं से, ऐसे लीडर से हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जो नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जो नेता सिर्फ अपने बैंक अकाउंट को भरने के बारे में सोचता हो, वैसा नेता हमारे देश को कभी भी तरक्की के राह पर नहीं ले जा सकता है। नेता वही सच्चा होता है, नेता वही हमारे देश को आगे ले जा सकता है जो जनता की भलाई के लिए बारे में सोचे, जो जनता की भलाई के बारे में सोचे, और साथ ही साथ अपना देश किस तरीके से आगे बढ़े, अपना देश किस तरीके से उन्नति के रास्ते पर जाए, उसके बारे में सोचे। और वैसा मुझे अभी नज़र आ रहा है श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के अंदर। क्योंकि दोस्तों, वह एक ऐसा नेता है जो श्रीलंका को जो है बहुत ही आगे लेके गया है, और कहीं ना कहीं वहाँ की जनता जो है उसके ऊपर
उसका विश्वास है कि अगर मैं इसको वोट देता हूँ तो यह 15 सालों से जो हमारे देश को इतना आगे लेकर गया और यह बहुत ही अच्छा नेता है और कहीं ना कहीं मैं इसी को वोट दूंगा और कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वह अपनी जगह बनाया और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो हुआ है चौथी बार, बल्कि एक बार दो बार नहीं चौथा बार जो है प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को और भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि हमारे देश के जो नेता हैं इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार क्यों करते हैं और हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर क्यों नहीं ले जाते हैं। कि दोस्तों हम लोग जो है अपने अपने लीडर्स को, चाहे वो MP हो, MLA हो, मुखिया मेंबर जो भी हो, बहुत ही उम्मीद से वोट देते हैं कि वह हमारे लिए कुछ काम करेगा, हमारे देश के लिए कुछ काम करेगा, हमारे विकास के लिए कुछ काम करेगा, हम किस तरीके से उन्नति के रास्ते पर आए उसके लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा जो है कोई भी नेता नहीं करते हैं, बस चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो है बस वह अपने में लगे हुए रहते हैं, अपना बैंक अकाउंट कैसे भरे उसमें लगे हुए रहते हैं, अपना परिवार को किस तरीके सुखी रखे उसमें लगे हुए रहते हैं, जनता कैसा है, क्या कर रहा है, किस तरीके से जी रहा है, किस स्थिति में जी रहा है, कैसी हालत में जी रहा है, उससे उसे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ऐसे नेताएँ जो है हमारे देश को खोखला कर रहा है, ऐसा नेता हमारे देश को जो है और भी पीछे लेके जा रहा है। इसलिए दोस्तों हमें एक सच्चा नेता की ज़रूरत है हमारे देश को चलाने के लिए, हमारे देश को किस तरीके से वो आगे ले जाए वैसे नेताओं की ज़रूरत है और हमें वैसे नेताओं को वोट देना है जो हमारे लिए सोचे, हमारे देश की भलाई के बारे में सोचे, हम लोगों की भलाई के बारे में सोचे, वैसे नेताओं के बारे में नहीं जो हमें आपस में लड़ाता रहे, हमें जो है सिर्फ जो है हम कैसे मर रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं उससे उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे नेताओं को हमें वोट नहीं देना है। और यहाँ पर हम लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और वह एग्जाम्पल है श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का। जी हाँ दोस्तों, बल्कि वह एक ऐसा नेता है जो अपने देश की भलाई के लिए जो है यहाँ पर चौथी बार जो है कल जो है प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।